छोटा बड़ा होएगा तो करवा देगा। थ्री बिलियन पीपल मतलब 3 करोड़ लोग किसमें है चावल को मतलब राइस को एज अ स्टेबल डाइट यूज करते हैं, मतलब जो मुख्य भोजन के रूप में यूज करते हैं। इट कैन बी ईटन इन डिफरेंट फॉर्म, सम आर गिवन बिलो। ये बहुत ही अलग अलग तरीके से खाया जाता है, मतलब चावल को सिर्फ चावल बना के नहीं खाते, बहुत सारी चीजें बनती है उससे। तो वो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं वो देख रहे हैं। सो इट कैन बी ईटन डिफरेंट फॉर्म्स ऑन सम आर गिवन बिलो। यहाँ पास कुछ दिया है डिफरेंट फॉर्म्स जो राइस के हैं वो क्या क्या हैं देखते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर फॉर्म ऑफ विच राइस इज ईटन, तो राइस के और भी बताना है, जैसे कुक्ड राइस, नॉर्मल राइस जो है, पोहा है, और इडली है, खीर है, और क्या क्या चीज़ बनाया जा सकता है चावल से। देखिए चूड़ा भी हमारा चावल से बनता है, मुर्रा, लाई, ये सारी चीज़ें भी चावल से बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई हमारे फॉर्म ऑफ राइस। तो आगे क्या है, माइज। माइज मतलब होता है माइज को कहते हैं हम कॉर्न को, कॉर्न मतलब मक्का, जिसको हम लोग भुट्टा कहते हैं ना वही से ही माइज कहते हैं। भुट्टा तो आप लोगों ने देखा है ना, उसी का पॉपकॉर्न बनता है ना, उसके भुट्टों के दाने, भुट्टे के जो सीड होते हैं, दाने होते हैं, उसी से क्या बनता है पॉपकॉर्न बनता है। तो हमारा जो राइस और व्हीट के अलावा जो है वो एक तीसरा जो होता है वो माइज होता है। माइज मतलब होता है कॉर्न, या जिसको हम भुट्टा भी कहते हैं या मकाई कहते हैं, ठीक है। माइज या मेज, इसको दोनों को एक माइज या मेज, मेज जनरली बोलते हैं और माइज भी कहते हैं। तो मेज और कॉर्न इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सीरियल्स। जो मेज या कॉर्न जिसको हम कहते हैं भुट्टा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सीरियल है, इम्पॉर्टेंट अनाज है। इट इज़ वाइडली कल्टिवेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इसकी खेती की जाती है, बहुत ज़्यादा खेती इसकी की जाती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द सम ऑफ द फॉर्म ऑफ विच कॉर्न इज ईटन। ये जिस तरह हमने अभी क्या देखा, राइस का देखा और व्हीट का देखा ना, चावल और गेहूं का देखा था कि कौन कौन से फॉर्म है, उसी तरह इसके माइज का भी दिखा रहा है, मेज का भी दिखा रहा है, सॉरी मेज एंड माइज इज सेम थिंग बट प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होती हैं। तो मेज, मेज मतलब होता है कॉर्न, कॉर्न मतलब भुट्टा या मकाई, ठीक है। तो उसके क्या क्या चीज बनती है, यहाँ पर कुछ दिया है, कुछ आप लोग अपनी तरफ से भी सोच सकते हैं। ये पेज नंबर 258 में दिया हुआ है। ब्रेकफास्ट सीरियल में क्या है, कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, वो भी मेज का बना होता है। पॉपकॉर्न जो है वो भी मेज से बना होता है, है ना। टोर्टिला चिप्स, जो चिप्स होती हैं कॉर्न की बनी होती है, स्वीट कॉर्न जो होते हैं ना, उसके भी एक तरह उनसे भी बहुत सारी डिशेज बनती है स्वीट कॉर्न से, तो ये भी मेज का ही बना हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट इज पेज नंबर, लेट्स मूव इन पेज नंबर 259। चलिए यहाँ पर अभी तक हमने सीरियल्स के बारे में देखा, कौन कौन सी सीरियल्स के बारे में जाना। पहला तो हमारा सीरियल में आया वीट, जो कि बहुत ज़्यादा दुनिया में बहुत सारी हाफ पॉपुलेशन यूज करती है ना, 3 बिलियन लोग राइस एज अ स्टेपल यूज स्टेपल स्टेपल मिल में स्टेपल डाइट में 3 बिलियन मतलब 3 करोड़ से ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में राइस को एज अ स्टेपल में डाइट यूज़ करते हैं। जो मेज है हमारा, जो भुट्टा, मकाई जिसको कहते हैं, वो भी मेन स्टेपल डाइट के रूप में यूज़ किया जाता है, कि फॉर्म में यूज़ किया जाता है। उनके डिफरेंट फॉर्म भी हम जान गए। अब आगे मूव करते हैं सीरियल्स के अलावा, हमारा जो सेकेंड होता है जो वेजिटेबल्स भी हमारे खाने से स्टेपल फूड में भी ही आता है, क्योंकि हम केवल चावल और रोटी नहीं खाते, उसके साथ हमें और भी चीज़ें चाहिए होती हैं ना, तो वेजिटेबल्स, दालें हो गई, ये सारी चीज़ें भी चाहिए होती हैं। तो अभी हम वेजिटेबल्स में मूव करते हैं। तो आपने देखा होगा विभिन्न, मतलब आप लोग जब लंच ओपन करते हैं, टिफ़िन ओपन करते हैं, तो अलग अलग टिफ़िन में अलग अलग वेजिटेबल्स आती है ना, तो डिफरेंट रहती है। तो आज यहाँ पर ना हम कुछ डिफरेंट वेजिटेबल्स के बारे में जानेंगे कि वो पार्ट प्लांट के कौन से पार्ट से मिलता है हमें। जैसे अभी हमने सीरियल्स में देखा, हमारे स्टेपल डाइट में जो जो चीज़ें हैं, जस्ट लाइक ज़्यादातर जो सीरियल्स होती हैं, अनाज होते हैं, वो क्या होते हैं, ग्रास से निकलते हैं, ग्रास के सीड होते हैं ना, उनको वो किससे कवर्ड रहते हैं, हस्क से, मतलब भूसे से कवर्ड रहते हैं। तो उस भूसे को निकाल कर या तो डायरेक्ट उसको यूज़ किया जाता है, या तो उसे पीस कर यूज़ किया जाता है। जैसे वीट को क्या करते हैं,
उसका हस्क से भूसे से निकालते हैं और सुखाकर उसे ग्राइंड करके हम चपातीस बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, या फिर उसे कूट कर अलग अलग पीसेस बनाते हैं। जो राइस होता है चावल, उसको भी भूसे से अलग निकाला जाता है हस्क से उसके, और उसको पॉलिश करके हम लोग यूज़ करते हैं एज अ राइस, है ना। हम चावल पका कर खाते हैं, खीर बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, पोहा बनता है, इडली बनता है, चूड़ा बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो अब यहाँ पास आ गया, जिस तरह हम जान गए कि जितने भी सीरियल्स हैं जनरली सब क्या है, जैसे मैं जो है वो भी सीड है ना, भुट्टा भी तो एक सीड है, बीज है ना, तो ये सारी चीज़ें बीज है। अब हम जानते हैं कि वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स सिर्फ कई तरह की होती हैं, मतलब कुछ चीज़ें, कुछ वेजिटेबल्स, कुछ दालें, इनके बारे में आज पढ़ेंगे, जो कि हमारा सेकेंड फूड होता है। फर्स्ट फूड हमारे सीरियल्स हो गए स्टेपल में, दूसरे जो होते हैं वेजिटेबल्स होते हैं। तो वेजिटेबल सिर्फ सीड नहीं होता, अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़े हैं ना, तो उन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में तो हम देखने जा रहे हैं कौन सा वेजिटेबल्स प्लांट का कौन सा पार्ट है, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पास थोड़ा सा लिखा हुआ उसको पढ़ते हैं। अनन्या हैड स्पेनिच एंड बीन्स, हिमांक हैड ब्रोकली एंड कैरट्स, टीना हैड पोटैटोज एंड स्प्रिंग अनियन। सो मतलब ये बच्चे हैं जिनके पास लंच बॉक्स में क्या क्या था, अनन्या के पास स्पेनिच मतलब पालक और स्पेनिच एंड बीन्स मतलब बीन्स और पालक थे। हिमांक जो है वो ब्रोकली लाया था और कैरेट लाया था, कैरेट समझते हैं ना, गाजर और ब्रोकली, और पोटैटोज और स्प्रिंग ऑनियन कौन लेकर आया था, स्प्रिंग ऑनियन समझते हैं ना, जो हरी वाली प्याज होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्याज की भाजी कहते हैं ना, उसे स्प्रिंग ऑनियन कहते हैं। तो आलू और जो स्प्रिंग ऑनियन कौन लाया था, टीना लाए थे। सबके में डिफरेंट डिफरेंट थे। अब देखते हैं कि कौन सी वेजिटेबल कहाँ से मिलता है, प्लांट से तो मिलता है पर प्लांट में होता कहाँ है, ये भी तो देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आगे। वेल इफ यू सी ऑल दिस वेजिटेबल्स आर एक्चुअली डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, जैसे आप देख सकते हैं ये सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं जो वेजिटेबल्स हैं ये डिफरेंट पार्ट है ना, कोई पार्ट का लीफ है तो कोई प्लांट का लीफ है तो कोई सीड है तो कोई उसकी ब्रांचेस है तो कुछ उसके फ्लावर हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें। तो हम देखते हैं क्या कौन सा वेजिटेबल कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट है, ठीक है। स्पेनिच आर लीव्स एंड सो आर कैबेज, पार्सली, लेक्टस एंड मिंट। तो जैसे कि हम लोग ने अभी देखा स्पेनिच, स्पेनिच क्या है, पत्ते हैं ना, किसके पत्ते हैं, एक प्लांट के पत्ते हैं। तो अब जो पत्तियां हैं वो वेजिटेबल के रूप में यूज़ की जाती हैं स्पेनिच, जिसको हम पालक कहते हैं। वैसे ही कैबेज भी क्या है, पत्तियां हैं, है ना, कैबेज भी क्या है, पत्तियां हैं। पर्सली एक भी ये वेजिटेबल है, पर्सली। स्पाइनच आर लीव्स एंड सो आर कैबेज, तो स्पाइनच पत्तियां हैं और उनमें कैबेज, कैबेज जानते हैं ना, पत्ता गोभी जिसको हम कहते हैं पत्ता गोभी, पार्सले भी क्या है, एक पत्ते वाली सब्जी है। देख सकते हैं आप यहाँ पास, आप लोगों ने देखा होगा टीवीज़ वगैरह में, ये इंडिया में कम यूज़ होती है, बहुत कम, जनरली ये बाहर यूज़ होने वाली, ये भी पत्तेदार सब वेजिटेबल है, इसको पार्सले कहते हैं। तो पार्सले ऐसी चौड़ी पत्ती वाली सब्जी है जिसकी पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। लेट्यूस भी एक इस टाइप की पत्तियों वाली सब्जी है। दूसरी है मिंट, मिंट आप जानते हैं ना, पुदीना, जिसको हमारे उसमें बहुत यूज़ किया जाता है, मिंट तो हमारे कंट्री में भी बहुत यूज़ किया जाता है, जिसको हम पुदीना कहते हैं, ठीक है। सो ये हो गई प्लांट्स की पत्तियाँ जिसको हम एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, बीन्स आर सीड्स एंड सो आर पीस, स्वीट कॉर्न एंड किडनी बीन्स, योर फेवरेट राजमा। तो जो बीन्स हम खाते हैं ना, वो बीन्स क्या है, सीड है, बीज है ना। और उसके बाद ना जो पीस, मटर, मटर भी खाते हैं ना, तो मटर भी क्या है, बीज है प्लांट के। स्वीट कॉर्न वो भी बीज है, जो मेज जो है उसी का, जो बच्चे मतलब जो नरम नरम होता है उसे स्वीट कॉर्न कहते हैं, ठीक है, तो वो भी बीज है। जो किडनी बीन्स किसको कहते हैं पता है ना, राजमा, राजमा से बहुत लोगों को पसंद होगा ना, वो भी क्या है, वो प्लांट का सीड है, बीज है, क्लियर। आगे मूव करते हैं, विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू यू थिंक यू आर ईटिंग वेन यू ईट कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटोज एंड बीट रूट। अब आप लोग बताइए ये कौन सा पार्ट है प्लांट का, जो गाजर, चुकंदर और ये स्वीट पोटैटोज मतलब
शकरकंद खाते हैं ना, बीटरूट, जितने भी चुकंदर है, ये सलगम जिसको कहते हैं, ये भी तो सब्जियों के रूप में यूज किया जाता है। तो ये सारे जो यूज किए जाते हैं, तो ये कौन सा पार्ट है आपके हिसाब से सोचकर बताइए, तो कौन सा पार्ट है? ये वेजिटेबल है, पर वेजिटेबल मतलब प्लांट का कौन सा पार्ट है? यस, दीज आर रूट वेजिटेबल। ये सारे रूट है, जमीन के नीचे से निकलते हैं ना, तो प्लांट का जो कई प्लांट्स का ना पार्ट, जो कैरेट का ना, ये जो रूट पार्ट होता है ना जमीन के नीचे मिलने वाला, उसे ही हम लोग कहते हैं, मतलब ये कौन सा प्लांट का है, मतलब कैरेट के प्लांट का रूट है, ये जड़ है, तो जड़ है ये सारी चीजें, इन्हें रूट वेजिटेबल भी कहा जाता है। चलिए मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 260। चलिए ओपन करते हैं पेज नंबर 206। सो हैव यू ईटन अ फ्लावर टुडे, क्या आपने कभी आज फ्लावर खाया, फूल खाया? अरे कॉलीफ्लावर क्या है, ब्रोकली क्या है, वो भी तो फ्लावर है, फूल है ना, तो यस इफ यू हैव ईटन अ ब्रोकली और कॉलीफ्लावर, अगर आपने क्या खाया, ब्रोकली खाया है या फिर कॉलीफ्लावर खाया है, देखिए ब्रोकली भी इस टाइप का होता है, ये क्या है, वेजिटेबल है, वेजिटेबल फ्लावर है, ये प्लांट के फ्लावर फ्लावर है, फूल है, ठीक है। अब यहाँ पास कुछ दिया, फैसिनेटिंग फैक्ट्स, फैसिनेटिंग फैक्ट्स मतलब जानने वाली बातें, रोचक जानकारियाँ, ठीक है। इन आर कंट्री डिलीशियस वेजिटेबल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सम फ्लावर्स, फूलों से हमारे देश में बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल सब्जियाँ बनती हैं। इन उत्तर प्रदेश फॉर एग्जाम्पल कचनार फ्लावर्स आर कुक्ड टू मेक अ डिलीशियस वेजिटेबल डिश, उत्तर प्रदेश में एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे कचनार एक पेड़ का नाम, प्लांट का नाम है, उसकी ना फूलों से क्या बनाया जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाई जाती है, डिश बनाई जाती है। व्हाइल इन बंगाल एंड केरला पीपल कुक बनाना फ्लावर्स, और बंगाल में और केरला में क्या बनाया जाता है, लोग क्या है, जो केले के फूल होते हैं ना, उससे भी सब्जियां बनाते हैं। इन महाराष्ट्र पीपल लाइक टू ईट पकौड़ास मेड ऑफ सहजन फ्लावर, सहजन एक पेड़ का नाम है, उसके फूलों से क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में क्या बनाते हैं, पकौड़े बनते हैं। तो ये हो गया इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जानने वाली बात, रोचक तथ्य जिसको हमें जानना चाहिए। और थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं आज के लिए, तो स्टेम एंड स्टाक जो तने और जो डंठल होते हैं, वो आर पार्ट ऑफ प्लांट दैट सपोर्ट इट लीव्स, जो पत्तियों को सहारा देते हैं, पत्तियों से जुड़े हुए स्टाक होते हैं ना, पत्तियों का जो से जुड़ा हुआ जो पार्ट होता है उसे स्टाक कहते हैं, और जो तना होता है ये क्या है, प्लांट को सपोर्ट, प्लांट को पत्तियों, प्लांट को सपोर्ट देते हैं और पत्तियों को जोड़ के रखते हैं। फ्लावर्स एंड फ्रूट, सिर्फ पत्तियों को नहीं, फ्लावर को भी जोड़ते हैं, उनके फूलों को भी जोड़ते हैं और फ्रूट्स को भी जोड़ते हैं। हाउएवर सम स्टेम्स आर एंड स्टाक टू आर ईटन एज वेजिटेबल, और कई बार ये स्टेम और जो उनके स्टाक होते हैं ना, जो पत्तियों से जुड़े हुए डंठल होते हैं, उन डंठलों को भी खाया जाता है एज अ वेजिटेबल। सेलेरी स्टिक एंड स्टेम ऑफ एस्पायरेगस प्लांट आर यूज इन सैलेड, सेलेरी मतलब होता है अजवाइन, जो हम अजवाइन खाते हैं ना, पेट वेट दर्द होता है तो कभी कभी मम्मी अजवाइन देती है ना, वो भी एक पेड़ में के सीड है, मतलब प्लांट का सीड है, तो सिलेरी का जो पत्ती स्टिक होती है ना, सिलेरी स्टिक मतलब उसके डंठल, और जो क्या है स्पायरेगस सतावर, जिसको सतावरी कहा जाता है हिंदी में, शतावरी कहा जाता है स्पायरेगस, स्पायरेगस, तो ये जो इसकी जो स्टेम है वो सैलेड में यूज किया जाता है, जैसे हम लोग ना प्याज अनियन सॉरी अनियन कैरेट ये सारी चीज़ें सैलेड में यूज करते हैं, उसकी उनकी उनके साथ सैलेरी स्टिक और स्पायरेगस इसकी स्टेम को भी यूज किया जाता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट पोटैटोज एंड जिंजर टू आर स्टेम्स, आप लोग को हैरानी होगी, आप लोग सोच रहे होंगे जमीन के अंदर से निकलता है ना आलू और क्या कहते हैं अदरक और आलू, लेकिन ये एक्चुअली ना ये क्या है, तना है, पेड़ का डंठल है। आप लोग सोच रहे हैं कैसे, जब कभी कहीं प्लांट जो जिनके यहाँ होता है ना, जिसका आलू उगाया जाता है, वो लोग से पूछना, पहले ना प्लांट बड़ा होते रहता है, फिर उसको ना उसके जो डंठल होता है उसको जमीन में दबाते हैं, फिर वो जब दब जाता है ना तब उसमें पोटैटोज निकलते हैं, तो वो एक्चुअली जमीन के अंदर घुसा हुआ वाला प्लांट का क्या है, डंठल है, स्टेम है, ठीक है, तो वो कोई रूट नहीं है। पोटैटोज आर नॉट रूट, पोटैटो एंड जिंजर गाजर जो क्या
क्या होते हैं अदरक भी है, वो भी हमारा रूट नहीं है, रूट हमारे बीट रूट है ना, जितने भी कैरेट्स हैं ये सारी चीज़ें हैं ना, तो वो कैरेट हो गया और हमारा रेडिश हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है रूट हैं, पर मतलब रूट रूट वेजिटेबल है, पर पोटैटोज एंड जिंजर आर नॉट आर रूट वेजिटेबल, ये स्टेम वेजिटेबल है, ठीक है, इनको जमीन के अंदर रहने वाला स्टेम है, जो अंदर रहता है, दे आर अंडरग्राउंड स्टेम, इन्हें अंदर जमीन के अंदर रहने वाला स्टेम कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स जस्ट यू नो नेक्स्ट जो है हमारा फ्रूट है, अभी हमने क्या क्या पढ़ा, सीरियल्स पढ़े जो प्लांट से कहाँ कहाँ से मिलते हैं ये जाना, और वेजिटेबल्स पढ़ा, और जो आगे जो पढ़ेंगे फ्रूट्स है, तो फ्रूट्स तो सभी जानते हैं प्लांट से ही मिलता है ना, तो अभी क्या करते हैं ये दिस इज सफिशिएंट, वेजिटेबल्स के रूप में फ्रूट को यूज़ किया जाता है, कई बार पत्तों को यूज किया, मतलब कुल मिलाकर क्या किया जाता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट को हम एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं, फ्रूट को केवल फ्रूट में यूज़ करेंगे, है ना। तो अभी सीरियल्स और वेजिटेबल्स तो क्लियर हो गए, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फ्रूट वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बिकॉज दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, विल मीट इन आर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो, सो टिल देन स्टे सेफ स्टे ब्लेस्ड एंड बी केयरफुल, हैव अ नाइस डे।